जो पाकिस्तान कल तक यूरोपीय देशों के खिलाफ जहरीली भाषा बोल रहा था, आखिरकार उसके स्वर बदले बदले दिख रहे हैं। हालांकि ये तो होना ही था, क्योंकि अगर पाकिस्तान यूरोपीय देशों के सामने न झुकता तो उसका व्यापार ठप हो जाता। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार पाकिस्तान के हुक्मरान बार बार कट्टरपंथ की भाषा क्यों बोलते हैं, और क्या पाकिस्तान की सिफारिश के बाद यूरोपीय देश पाकिस्तान को कोई रियायत देंगे। इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक। दरअसल कारोबार के लिए दी गई वरीयता पर समीक्षा करने के यूरोपीय यूनियन की तरफ से प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के बाद पाकिस्तान ने सफाई दी। पाकिस्तान ने बढ़ते धार्मिक कट्टरपंथ और इस निंदा कानूनों के खिलाफ यूरोपीय यूनियन ने ये प्रस्ताव स्वीकार किया था। प्रस्ताव में यूरोपीय देशों ने पाकिस्तान को कारोबार करने की मिलने वाली रियायत को खत्म करने की सिफारिश की गई है। लेकिन इस प्रस्ताव से बैकफुट पर आ गया पाकिस्तान, अब सफाई दे रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने यूरोपीय संघ के सांसदों से कहा कि किसी भी सशस्त्र या दबाव समूह को सरकार की नीति को चुनौती देने और निर्देशित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उनकी सरकार ने कट्टरपंथी गुटों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। इतना ही नहीं, कुरैशी ने सबसे बड़ा झूठ ये बोला कि पाकिस्तान में हाल के विरोध प्रदर्शनों के बाद कट्टरपंथी समूहों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि किसी भी सशस्त्र या दबाव समूह को सरकार को चुनौती देने और सरकार की नीति को निर्देशित करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। दुनिया देख रही है कि कैसे इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, इसलिए धर्म या धार्मिक विश्वास के आधार पर असहिष्णुता और हिंसा के लिए उकसावे से लड़ने को सामान्य संकल्प दिखाने की जरूरत है। उन्होंने पाकिस्तान के इस निंदा कानूनों पर यूरोपीय संसद द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने पर निराशा जाहिर की। सोचिए, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने एक के बाद एक बड़ा झूठ बोला, जैसे कि पाकिस्तान में प्रदर्शन शांतिपूर्ण हुआ। अरे कुरैशी साहब, दुनिया देख रही है कि फ्रांस को लेकर पाकिस्तान में कितना बड़ा बवाल हुआ, वो भी एक साल पुरानी बात को लेकर। अगर याद ना आए तो हम बता देते हैं। दरअसल फ्रांस के राजदूत को पाकिस्तान से निष्कासन की मांग को लेकर इस्लामाबाद और कई अन्य शहरों में तहरीके लब्बैक के समर्थकों ने कई दिनों तक हिंसक प्रदर्शन किया। इस्लामिक प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प में 150 से अधिक लोग घायल हो गए थे और कई लोगों की जानें भी चली गई थी। उस वक्त इमरान खान ने बड़े चाव से कहा था कि उनका लक्ष्य पश्चिमी देशों में यहूदियों के जैसे इस निंदा कानून को बनवाने के लिए सभी मुस्लिम देशों को साथ में लेना है। बात यही नहीं रुकी, उन्होंने पाकिस्तानी आवाम से पश्चिम के महंगे प्रोडक्ट के बायोकॉट की भी अपील कर डाली थी। खैर, ये बात तो साफ है कि कुरैशी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले झूठ बोलने, लेकिन यूरोपीय देश लगातार उस पर अब हंटर चला रहे हैं। इसकी दो वजह भी है, एक तो पाकिस्तान में आतंक परस्त लोगों ने कब्जा कर रखा है, और दूसरा यूरोपीय देश ये अच्छी तरह से जानती है कि पाकिस्तान यू टर्न लेने में माहिर है।